Welcome back. So today we will study about electromyography. So what is electromyography? तो इसको हम EMG भी कहते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, मसल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम इस वर्ड को समझें अगर अच्छे से, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मायो इज फॉर द मसल, एंड ग्राफी मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ ग्राफ है. तो यानी कि जो मसल की एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी, नॉट द केमिकल एक्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल, उसका जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी. और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है मसल की, ये किसके ऊपर बेस होगी, ओवर द मोटर यूनिट एक्टिविटी. तो आपको पता होगा कि मसल के अंदर हमारी मोटर यूनिट्स होती हैं. अगर आप मसल का स्ट्रक्चर देखो अच्छे से, ठीक है, तो जो मोटर यूनिट होती है वो किस चीज़ से बनती है, एंटीरियर हॉर्न सेल से, एक्सॉन, इट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड द मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय द एक्सॉन. अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है. इसमें आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर दिख रहा है. अब इसमें जो एंटीरियर हॉर्न सेल है वहाँ से आपको नर्व फाइबर्स निकलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है. और एक जो नर्व जा रही है वो अपने अपने मसल फाइबर को इनर्वेट कर रही है. तो दिस होल स्ट्रक्चर इज टुगेदर इज नोन एज द मोटर यूनिट. अब एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल. यानी कि इस मोटर यूनिट का जो पोटेंशियल है, जो कि कोई एक्शन करवा सके, उसको हम कहेंगे मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल. तो इसको हम MUAP भी कहते हैं. जब मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन होता है तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उस पर्टिकुलर फाइबर की, उसे हम कहेंगे मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है. अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके भी फेजेस होते हैं एक्शन पोटेंशियल के एक्चुअली. तो वो मैंने एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही आएगी चैनल पे, तो आप वो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे वो कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है. तो मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड लगा के अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये सिग्नल ले रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. नाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ EMG सिग्नल. तो जो EMG है उसके लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं नीडल इलेक्ट्रोड्स. अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो तरीके के, एक तो होते हैं नीडल वाले और एक होते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड. अब जो हम टेंस IFT में यूज़ करते हैं वो होते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड्स, यानी कि उनको हम पेशेंट की स्किन के ऊपर लगाते हैं. EMG में हम ये वाले इलेक्ट्रोड्स यूज़ नहीं करते. EMG के अंदर हम नीडल वाले इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, मतलब कि स्किन को पियर्स करके अंदर जाएगा मसल में वो, ठीक है. तो उसके लिए हम वो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं नीडल वाले. अब जो नीडल वाले इलेक्ट्रोड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, बाइपोलर और मोनोपोलर. उससे पहले ये इमेज देखो, ये EMG की जो मशीन है उसका डायग्राम है, ठीक है. अब हम बात कर रहे थे बाइपोलर और मोनोपोलर इलेक्ट्रोड्स की, नीडल इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है. तो जो बाइपोलर इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर एक हाइपोडर्मिक नीडल होती है. कौन से तरीके की नीडल होती है, हाइपोडर्मिक नीडल. तो इसके अंदर क्या होता है, एक वायर होती है प्लैटिनम की और सिल्वर की, जो कि उस नीडल के आसपास थ्रेड अराउंड होती है, लिपटी हुई होती है, ठीक है. द वायर एंड नीडल कैनुला एक्ट एज रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज रिकॉर्डेड इन वोल्ट्स, और जिसकी वजह से हमें EMG मिल जाता है. मोनोपोलर इलेक्ट्रोड में हमारे पास एक सिंगल नीडल होती है जो कि हर जगह से इंसुलेटेड होती है, बस टिप को छोड़ के. एक हम दूसरा सरफेस इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं स्किन के ऊपर, कौन सी जगह पे, नियर द साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ नर्व, सर्विंग एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो ये दो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग द EMG. तो ये आप देख सकते हो, ये नीडल टेक्निक है ऑफ परफॉर्मिंग द और रिकॉर्डिंग द EMG. Now we will discuss about the factors which affect motor unit action potential, that is MUAP. तो three factors हैं, proximity of the electrodes to the muscle fibers, जितना ज़्यादा पास होगा उतने ज़्यादा आपको potential देखने को मिलेंगे. Tissue present in between, fat fibrous tissue act as insulator, जितना ज़्यादा fat और fibrous tissue का content रहेगा बीच में उतना आपका motor unit action potential कम आएगा, क्योंकि ये insulator की तरह act कर रहे हैं. And it is directly proportional to the size of motor unit, तो जितनी बड़ी आपकी motor unit होगी muscle की उतना ही ज़्यादा वो potential देगी, action potential. So it is directly related. तो अब हम जो EMG पढ़ेंगे उसको हम दो मेन हेडिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं.
एक हम पढ़ेंगे नॉर्मल ईएमजी और एक हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल ईएमजी, क्योंकि एबनॉर्मल जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए ना कि नॉर्मल क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल ईएमजी। तो नॉर्मल ईएमजी क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द मोटर यूनिट, हेंस द नेम नॉर्मल ईएमजी। मतलब नॉर्मली जो बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है उसका ईएमजी आपको कैसे देखने को मिलेगा, इज द नॉर्मल ईएमजी। अब देखो, हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं, हमने ये बात करी कि हम नीडल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो इंसर्शन के टाइम पे भी कुछ एक्टिविटी होगी मसल के। अब मैं उस नीडल को स्किन से पियर्स करवा के मसल्स तक लेके जा रही हूँ, मोटर यूनिट तक, तो मैं इंसर्ट ही कर रही हूँ ना उस नीडल को जब मैं ईएमजी रिकॉर्ड कर रही हूँ पेशेंट का। तो इंसर्शन के टाइम पे थोड़ी एक्टिविटी तो होनी चाहिए मसल के अंदर, क्योंकि बाहर का स्टिमुलस जा रहा है, ठीक है। दूसरी हम जो नॉर्मल ईएमजी पढ़ेंगे रेस्ट पे, कि अब मैंने नीडल तो इंसर्ट कर दी पर मसल बिल्कुल रेस्ट पे है, मतलब पेशेंट जो है बिल्कुल आराम से अपने हाथ को रख के बैठा हुआ है, वो हाथ की कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे मेरा ईएमजी क्या आएगा? या फिर उसके बाद मैं अगर पेशेंट को बोलूँ कि आप हल्का सा अपना हाथ ऊपर उठाओ या हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन करो, तो क्या हो जाएगा, क्या चेंजेस आएंगे ईएमजी के अंदर नॉर्मल ईएमजी में? तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ईएमजी एक्टिविटी एट इंसर्शन, यानी कि जब मैं नीडल को पेशेंट की स्किन के थ्रू पियर्स करके मसल तक, मोटर यूनिट तक लेके जा रही हूँ, उस टाइम की एक्टिविटी इज ईएमजी एक्टिविटी एट इंसर्शन। तो इसको हम इंसर्शनल एक्टिविटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट के मसल में, ठीक है। इट इज़ द एक्टिविटी विच इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग इंसर्टिंग द नीडल फॉर रिकॉर्डिंग द ईएमजी। ये मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस, अब इसमें होता क्या है? सो देयर विल बी स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। क्यों होते हैं ये? इट इज़ कॉज्ड बाय द नीडल ब्रेकिंग द मसल मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि जो हमारी मसल है वो बड़ी अच्छे से भगवान ने हमें सजा के भेजी है, उसके ऊपर भगवान ने एक अच्छी सी प्यारी सी कोटिंग भी करके भेजी है, जिसको हम मसल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब जब वो नीडल जो है वो स्किन को पियर्स किया और जब वो मसल पे पहुंच जाएगी, जब वो मसल की मेम्ब्रेन को पियर्स करेगी, तो मसल के अंदर एक एक्टिविटी होगी। क्या एक्टिविटी होगी? कि जो पोटेंशियल है उसके स्पॉन्टेनियस बर्स्ट आने लग जाएंगे इंसर्शन के टाइम पे। तो इनका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या रहेगा? 1 से 300 मिली सेकेंड। सो दिस ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। बट नॉर्मल ड्यूरेशन जो रहता है हमारा वो 1 से 300 मिली सेकेंड रहता है। ये होती है ईएमजी पे हमारी नॉर्मल इंसर्शनल एक्टिविटी। अगर आप किसी पेशेंट का ईएमजी देखोगे तो नॉर्मल ईएमजी पे आपको इंसर्शनल एक्टिविटी कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, एक हेल्दी मसल की। नाउ द नीडल शुड बी मूव टू अदर एरियाज अप टू 25 डिफरेंट पॉइंट्स विद इन अ सिंगल मसल कैन बी एग्जामिन्ड। अब ईएमजी एक्टिविटी एट रेस्ट, अब मैंने नीडल डाल दी अंदर, इंसर्शनल एक्टिविटी मैंने देख ली, हाँ बिल्कुल स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ पोटेंशियल आ गए। अब पेशेंट बिल्कुल रेस्ट पे, देयर इज़ नो मूवमेंट, देयर इज़ नो आइसोमेट्रिक, नो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, नथिंग द पेशेंट इज़ डूइंग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि जो मसल है वो बिल्कुल रेस्ट पे है। तो इस में हम क्या देखते हैं? ईएमजी ड्यूरिंग रेस्ट, यानी कि इसमें कोई एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होगी ईएमजी पे, ईएमजी विल बी इलेक्ट्रिकली साइलेंट। इसमें आप देख सकते हो इंसर्शनल एक्टिविटी का, अगर आप ईएमजी देखो, इंसर्शनल एक्टिविटी का जो ईएमजी था इसमें लाइंस बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। बट अगर आप रेस्ट का ईएमजी देखोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि मसल के अंदर कोई एक्टिविटी ही नहीं है, कोई पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हो रहा। जब तक डीपोलराइजेशन नहीं होगा मसल का तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए रेस्ट के ऊपर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ईएमजी पे इलेक्ट्रिकल साइलेंस होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। सो नॉर्मली स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल्स आर सीन व्हेन नीडल इज क्लोज टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल ड्यू टू रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर प्रेजेंट विच इज़ नॉट सफिशियंट टू प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन। सो EPP दैट इज एंड प्लेट पोटेंशियल दे डिनोट सफिशियंट रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप एंड प्लेट पोटेंशियल देख सकते हो यहाँ पे, ये उसका ईएमजी है। नाउ एबनॉर्मल ईएमजी कैन बी सीन एट रेस्ट। हम नॉर्मल की, एबनॉर्मल की बात हम अलग से करेंगे अभी, बट जस्ट आपको एक जिस देने के लिए कि एबनॉर्मल ईएमजी जो अभी हमने देखा कि नॉर्मली रेस्ट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं आएगी, ईएमजी विल बी कम्प्लीटली प्लेन,
ठीक है। बट अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, उसकी मसल में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे कोई और पैथोलॉजी है, तो रेस्ट के टाइम पे ऐसा इलेक्ट्रिकल साइलेंस नहीं देखने को मिलेगा। हमें चार चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, फिब्रिलेशन, फैसिकुलेशन, कॉम्प्लेक्स रेपिटेटिव डिस्चार्ज एंड पॉजिटिव शार्प वेव्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर आपको। नाउ ईएमजी एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन, सो इट कंसिस्ट ऑफ ईएमजी एक्टिविटी विच अकर्स वेन देयर इज स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब हमने पेशेंट को बोला हाँ जी बहुत बढ़िया रेस्ट की हमने आपकी एक्टिविटी देख ली, अब आप आराम से अपना हाथ उठाइए या हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हमें आपकी एक्टिविटी नोट करनी है, तो उसे हम कहेंगे ईएमजी एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम मोटर यूनिट की मॉर्फोलॉजी और उसकी रिक्रूटमेंट को स्टडी कर सकें। सो पेशेंट इज आस्क्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल मिनिमली, हल्के से अपनी मसल कॉन्ट्रैक्ट करो, तो डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, तो मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल दैट इज MUAP वो जनरेट हो जाएगा। सो MUAP इज द समेशन ऑफ ऑल द फाइबर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो अब मैं नॉर्मल EMG की बात कर रही हूँ बच्चों, ठीक है, ये अब तक जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा नॉर्मल EMG है, ठीक है। तो इस वाले फेज के अंदर जब मैंने पेशेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने को बोला कि आप मिनिमली कॉन्ट्रैक्ट करो अपनी मसल को, तो पेशेंट को जो मोटर यूनिट आएगी वो एक डिस्टिंक्ट शेप की होगी, उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, बिटवीन 150 माइक्रोवोल्ट टू 5 मिली वोल्ट, ड्यूरेशन होनी चाहिए 2 to 14 मिली सेकेंड की, और जो उसका शेप है वो बायफेजिक ट्राईफेजिक होना चाहिए, बट 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्वाड्रीफेजिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द नॉर्मल EMG की, हाँ ये रेंज है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर है तो देयर इज़ अ पैथोलॉजी, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, या आप EMG देख सकते हो नॉर्मल मोटर यूनिट का, ठीक है। नाउ एबनॉर्मल EMG कैन बी सीन ड्यूरिंग स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिकल साइलेंस था नॉर्मल EMG पे, वहीं अगर किसी पेशेंट को कोई पैथोलॉजी है मसल की, तो नॉर्मल EMG पे उसको रेस्ट वाले EMG में वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल साइलेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे भी जब हम पेशेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने को कह रहे हैं तो इन नॉर्मल एक्टिविटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कौन कौन सी, पॉलीफेजिक पोटेंशियल और जॉइंट MUAP। अब इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हम जो EMG है उसको हम नीडल्स के थ्रू देख सकते हैं, नीडल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, नीडल इलेक्ट्रोड्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मोनोपोलर एंड बायपोलर, ठीक है। उसके बाद हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया अपनी प्रेजेंटेशन को, इस टॉपिक को, नॉर्मल EMG में और एबनॉर्मल EMG में। नॉर्मल EMG में जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं वो तीन उस पर पढ़ी हैं, ड्यूरिंग इंसर्शन, एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग इंसर्शन पे क्या हो रहा था, देयर वर स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ पोटेंशियल, क्यों हो रहे थे, क्योंकि नीडल जो है वो मसल मेम्ब्रेन ब्रेक कर रही है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 to 300 मिली सेकेंड होना चाहिए था। नॉर्मल EMG में रेस्ट पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, EMG विल बी कम्प्लीटली साइलेंट। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो मोटर यूनिट होते हैं वो फायर करते हैं, देयर इज डीपोलराइजेशन। तो इसमें हम मोटर यूनिट का शेप, एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, साउंड, ये चीज़ें नोट करते हैं। अब ये बात हुई हमारे नॉर्मल EMG की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल EMG एक्टिविटी की, तो इसको भी हम तीन हेडिंग में ही डिस्कस करेंगे, इंसर्शन पे, रेस्ट पे और स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल EMG ड्यूरिंग इंसर्शन। तो हमने पढ़ा था जब हम इंसर्ट कर रहे हैं नीडल को, जो जो उसका ड्यूरेशन है वो नॉर्मली कितना होना था, 1 to 300 मिली सेकेंड। अब अगर 300 मिली सेकेंड से ज़्यादा या 1 मिली सेकेंड से कम का टाइम अगर हो रहा है तो दैट इज़ एबनॉर्मल, ठीक है, तो वो हमारा एबनॉर्मल EMG आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम जो है 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा होगा तो वो किस केस में देखने को मिलेगा, व्हेन देयर इज़ मसल मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी। तो जो आपका ये टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ कब हो जाएगा, यानी कि 1 मिलीसेकंड से कम कब होगा, व्हेन देयर इज़ क्रॉनिक न्यूरोपैथी, व्हेन देयर इज़ सिग्निफिकेंट एट्रोफी एंड देयर इज़ इनफिल्ट्रेशन ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आप EMG देख सकते हो इंक्रीज्ड इंसर्शनल एक्टिविटी का, बहुत क्लियरली डिफरेंस विजिबल है जो एक नॉर्मल इंसर्शनल एक्टिविटी थी और जो ये वाली इंसर्शनल एक्टिविटी है इंक्रीज्ड इंसर्शनल एक्टिविटी पे। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल EMG ड्यूरिंग रेस्ट। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए रेस्ट पे,
इलेक्ट्रिकल साइलेंस होना चाहिए, ईएमजी पे कुछ नहीं आना चाहिए। बट अगर हमारा ईएमजी अब नॉर्मल आ रहा है तो रेस्ट पे हमें ये चार चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिब्रिलेशन की। तो फिब्रिलेशन क्या होता है? इट इज़ द स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन ऑफ सिंगल मसल फाइबर, ठीक है। एक सिंगल मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हो रहा है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। इट इज़ नॉट सीन थ्रू स्किन। ये क्या शो करता है कि जो आपकी मसल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है, इसके अंदर बायफेजिक स्पाइक्स होती हैं और इसकी साउंड कैसी होती है, जैसे रेन गिर रही हो रूफ के ऊपर या फिर ऑफ रिंकलिंग द टिश्यू पेपर, इस तरीके की आवाज़ होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द ईएमजी फॉर फिब्रिलेशन। अब ये आप फिब्रिलेशन आपको किस किस कंडीशन में देखने को मिलेगी? न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स में, पेरिफेरल नर्व लेजन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डर्मेटो एंड पॉलीमायोसाइटिस, पॉलीन्यूरोपैथी एंड एक्सोनल डीजेनरेशन। अब जो सेकेंड एक्टिविटी है जो हमें रेस्ट पे दिखाई देगी इन एबनॉर्मल ईएमजी इज द फैसिकुलेशन। सो दीज आर स्पॉन्टेनियस मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल MUAP। सो देयर इज इनवॉलेंट्री फायरिंग ऑफ एसिंक्रोनस फायरिंग ऑफ मोटर यूनिट। इट कैन बी स्किन थ्रू स्किन। और इसकी साउंड कैसे होती है? जैसे एक लो पिच थंब की साउंड होती है, वैसी इसकी साउंड होती है। तो फैसिकुलेशन हमें कब कब देखने को मिल सकता है, किन किन कंडीशंस में? क्रॉनिक पेरिफेरल नर्व लेजन में, नर्व रूट कंप्रेशन में एंड स्पाज्म एंड क्रैम्प में। तीसरा जो आपका एबनॉर्मल एक्टिविटी आती है ड्यूरिंग रेस्ट इन ईएमजी वो है कॉम्प्लेक्स रेपिटेटिव डिस्चार्ज। तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंडेड ट्रेन ऑफ पोटेंशियल्स विथ सेम और नियरली सेम वेव फॉर्म, ठीक है। दे आर रेगुलर एंड रेपिटेटिव, बहुत रेगुलर इंटरवल पे आते हैं और बार बार आते हैं। साउंड कैसी होती है इसकी? डाइव बॉम्बर जैसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 5 to 100 इंपल्सेस पर सेकंड। ये हमें किस में देखने को मिलेगी? मायोपैथी में और पेरिफेरल नर्व लेजन्स में। जो पॉजिटिव शार्प वेव्स हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ बायफेजिक वेव्स। सो देयर इज अब बायफेजिक वेव्स हैं, देखो वरना इलेक्ट्रिकली साइलेंट था बिल्कुल रेस्ट पे, बट अब उसमें बायफेजिक वेव्स आ रही हैं। सो देयर इज शार्प पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, एक बहुत शार्प ऊपर की तरफ जाता है, एंड अ स्लो नेगेटिव फेज, नीचे की तरफ आके बहुत स्लो हो जाता है। इट हैज़ लो एम्पलीट्यूड, लॉन्गर ड्यूरेशन अप टू 100 मिली सेकेंड, साउंड्स लाइक अ डल थड। सो दिस इज द ईएमजी फॉर द पॉजिटिव शार्प वेव्स। अब आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से दो पल्सेज आ रही हैं, बायफेजिक पल्स है, एक ऊपर की तरफ जा रही है ओवर द पॉजिटिव पार्ट एंड द अदर वन इज़ कमिंग डाउन टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट। तो जो ये वेव्स है ये हमें किस कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं? इन पॉलीमायोसाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑल्सो नोन एज MD एंड डीनोवेटेड मसल्स एट रेस्ट। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल ईएमजी ड्यूरिंग द स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब तक हमने बात करी थी इंसोशनल एक्टिविटी पे, रेस्ट पे, अब हम बात करेंगे स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन पे। एबनॉर्मली क्या देखने को मिल सकता है हमें ईएमजी पे? तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, पॉलीफेजिक पोटेंशियल एंड जॉइंट मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल, दैट इज MUAP। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ पॉलीफेजिक पोटेंशियल। तो नॉर्मली जो ईएमजी का शेप हमने पढ़ा था नॉर्मल ईएमजी में वो क्या था? बायफेजिक या ट्राईफेजिक, बट वो क्वाड्रीफेजिक, चार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। बट पॉलीफेजिक पोटेंशियल के अंदर क्या होता है ना, पाँच से ज़्यादा फेजेस आने लग जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीफेजिक पोटेंशियल। सो व्हेन पॉलीफेजिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स मोर देन 20% ऑफ द आउटपुट इट इज़ एबनॉर्मल। यानी कि आपका 20% से ज़्यादा ईएमजी में, मान लो आपने ईएमजी की रिपोर्ट निकाली, अगर उसमें 20% से ज़्यादा आपके पॉलीफेजिक पोटेंशियल आ रहे हैं, यानी कि कुछ तो दिक्कत है, दिस ईएमजी इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलीफेजिक मोटर यूनिट, ठीक है। सो दीज आर सीन ड्यूरिंग डीजेनरेशन एंड आफ्टर रीजेनरेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व। सो पॉलीफेजिक पोटेंशियल विद ग्रेटर ड्यूरेशन शोज मोटर न्यूरोपैथी। अब आपको ये देखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और पूरी ईएमजी रिपोर्ट के हिसाब से, अलॉन्ग विद द क्लिनिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस, द मेडिकेशंस द पेशेंट इज टेकिंग, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें आप देख सकते हो लार्जर देन नॉर्मल एम्पलीट्यूड मोटर यूनिट। अब इसमें हमने मोटर यूनिट के एम्पलीट्यूड की भी बात करी थी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में, जब स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो अब एबनॉर्मल में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड की एक रेंज जो दी गई थी हमें नॉर्मली, उससे ऊपर नीचे हो रहा है, देखो कितना, ठीक है। और या तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था या फिर बहुत लो एम्पलीट्यूड पर आ गया, शॉर्टर ड्यूरेशन पर आ गया, ठीक है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है ऐसे। जो दूसरा था
मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे नॉर्मल ईएमजी वो है जॉइंट एमयूएपी मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल. सो रीइनर्वेटेड मसल फाइबर्स डिमॉन्स्ट्रेट लार्जर देन नॉर्मल एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो एमयूएपी ग्रेटर देन 5 mV आर एबनॉर्मल. इसमें देखने को मिलेंगे हमें ये पोस्ट पोलियो में, क्रॉनिक रेडिकुलोपैथी में. सो दिस एंड्स विद द प्रेजेंटेशन. ठीक है, ईएमजी के बारे में अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर दैट. थैंक यू.